सांसद निशिकांत दुबे ने अपने निजी आवास पर प्रेस वार्ता की। दुबे ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि त्रिकोट पहाड़ स्थित दामोदर रोप वे का एग्रीमेंट 2019 में ही समाप्त हो गया था। बावजूद पिछले 3 साल से अवैध रूप से त्रिकोट पहाड़ में रोप वे का संचालन हो रहा था। साथ ही उन्होंने बताया कि उपायुक्त ने शाम 6 बजे तक झारखण्ड के मुख्य सचिव को सूचना नहीं दी। सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि इस मामले में उपायुक्त पर 302 का मुकदमा होना चाहिए, साथ ही झारखंड सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। वहीं सांसद दुबे ने त्रिकोट रोपवे हादसा मामले की जांच सीबीआई से करवाने की मांग की है। उपायुक्त की भूमिका बड़ी संदिग्ध है, क्या पूरी बात है सर, क्या कहें? देखिए, एक तो 2019 में इसका एग्रीमेंट खत्म हुआ, 3 साल से ये बिना एग्रीमेंट के चल रहा है। कस्टोडियन उपायुक्त होते हैं, उनको जवाब देना चाहिए कि उनके इलाके में अवैध तरीके से जो है कोई रोपवे कैसे चल रहा है। और ये बयान मैं इसलिए कह रहा हूँ कि झारखंड टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के जो MD हैं राहुल सिन्हा साहब ने आज खुलेआम ये बयान दिया है कि उसका जो है पूरा हो गया था, एग्रीमेंट था ही नहीं उसके साथ। उनके एग्रीमेंट के बाद मैं आपको कह रहा हूँ, मतलब उनके बयान को ही मैं पुष्टि कर रहा हूँ, मैं कोई नई बात आपको नहीं बता रहा हूँ। दूसरा, ये कितनी बार कलकत्ता दौरा किए, कौन कौन इनको रुकवाते हैं, इसके बारे में उनको पब्लिकली बताना चाहिए। किसके हवाई जहाज़ का टिकट लेते हैं ये भी उनको बताना चाहिए। तीसरी बात यह है कि 6 बजे तक उन्होंने मुख्य सचिव को क्यों नहीं बताया। मैं ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि मुख्य सचिव को मैंने ये जानकारी दी और ये हादसा 3:30-4 बजे हो गया था, तो इन्होंने 6 बजे तक मुख्य सचिव को क्यों नहीं जानकारी दी। और जब ऑपरेशन शुरू हो गया और जब पता चल गया कि हेलीकॉप्टर आना है, आर्मी का, एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर आना है, तो उसके लिए ATF की व्यवस्था इन्होंने क्यों नहीं, और इस कारण से जो 5-6 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन डिलेड हुआ, उसका कौन जिम्मेवार? इसलिए उपायुक्त के ऊपर 302 का मुकदमा होना चाहिए, हेमंत सोरेन को इस्तीफा देना चाहिए। और हेमंत सोरेन जी में यदि थोड़ी सी भी कटसी है और जनता के प्रति थोड़ी भी सिंपैथी है, तो इस केस को CBI को रेफर करना चाहिए। और मैंने वहाँ सभी लोगों को कहा कि जब ये रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो जाएगा तब मैं अपनी कोई प्रतिक्रिया NDRF और IGP, हम इस चारों फोर्सेस के सूत्रधार भी हमारे स्थानीय लोग उसमें पन्नालाल, भूपेंद्र, विजय, इन लोगों के साथ मिलकर जो है 48 में से की संवेदना हो, लेकिन जो इन फोर्सेस ने काम किया उनको धन्यवाद देने के लिए हम जो सुनते थे कि हमारी भारतीय वायुसेना, भारतीय सेना, पैरामिलिट्री फोर्सेस इतनी मजबूत है, क्या कान में तेल डालकर सोचते हैं वो आज देखकर तो लोगों को देख लेते हैं। लेकिन जो रोपवे बनाती है राज्य सरकारें, इस घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने चिट्ठी लिखी है, सभी ट्विटर हैंडल पर जो है होम मिनिस्ट्री का ट्विटर हैंडल जो कुछ भी होगा वो सारे देख लीजिएगा, उसमें जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है SOP जिसकी है, अब बात वहीं से शुरू होती है। जब रोपवे की गाइडलाइन है, सभी को रेगुलेटरी परमिशन लेना है, जैसे कि एयरपोर्ट अभी तक हम लोग चालू इसलिए नहीं कर पाए कि DGCA का लाइसेंस है, आज मिल गया, कल लाइसेंस मिल गया, तो अब कभी भी एयरपोर्ट चालू हो। आज तक झारखंड वाला क्वेश्चन तो ये, दूसरा क्वेश्चन ये है कि 2009 में इस कंपनी के साथ एग्रीमेंट, एक तो सबसे पहले आप लोगों का कंफ्यूजन खत्म होना चाहिए, और यदि DC कहते हैं कि हम कस्टोडियन नहीं हूं, ये प्रसाद योजना का जो अभी हम यहाँ होल्डिंग पॉइंट बना रहे हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का है, उसको रोज देखने के लिए क्यों जा रहे हैं? प्रसाद योजना का जो हमने ये बनाया है पाथवे, ये तो हमारा है ना, भारत सरकार का पैसा, उसको रोज देखने क्यों जा रहे हैं? एयरपोर्ट तो भारत सरकार का है ना, रोज देखने क्यों जा रहे हैं? एम्स में तो झारखंड सरकार का कोई लेना देना ही नहीं, एयरपोर्ट पे रोड बनेगा कि नहीं बनेगा, टूटेगा कि नहीं टूटेगा, वो देख रहे। ये बिना किसी परमिशन के 3 साल ये चल रहा था। अब इसमें मेरा जो सवाल है,
कि जिला उपायुक्त ने कितने बार कलकत्ते का दौरा किया, जब से जिला के वो उपायुक्त बने ना, वो कितनी बार उन्होंने कलकत्ते का दौरा किया। कलकत्ते के दौरे में उनके मोबाइल लोकेशन से पता चल जाए कहां वो रहे, किस गेस्ट हाउस में रहे, किस होटल में रहे। और तीसरा, उन्होंने कितनी बार हवाई जहाज का यात्रा। ये तीन चीज जो है मेरा बेसिक सवाल है, ये जनता के सामने ट्रांसपेरेंट तरीके से, मेरा कोई आरोप नहीं, किसकी सेवा ली उन्होंने नहीं ली, मेरा कोई आरोप नहीं है, लेकिन उपायुक्त को इस मामले में क्लियर होकर आना चाहिए। दूसरा, मुझे ये सूचना आरती के समय 4:30 बजे के आसपास एक आम आदमी जो है हमारा कार्यकर्ता देता है कि होने का यह हादसा। दूसरा कार्यकर्ता मुझे 5 बजे वीडियो भेजता है, मैं पूजा से उठता हूँ, सबसे पहले मैं होम मिनिस्टर से बात करता हूँ, और मेरे व्हाट्सएप में है, जिसको देखना है, जिनको चाहिए वो मैं आपको बता सकता हूँ कि फाइनल मेरी, उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या हुआ एग्जैक्ट, मैंने 5:32 पर इस व्हाट्सएप मैंने कहा कि जो मेरी जानकारी है कि 4 आदमी मर गए, मेरी जानकारी सूचना जो है आधी अधूरी थी, मेरी जानकारी ये करती है, और लगभग 20 लोग फंसे थे। मुझे उस वक्त इतना अंदाजा नहीं था कि इतना बड़ा मैसेज जो है ये हुआ है। और 5:40 पर, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।